दोस्तों बुधवार रात मुंबई में फिल्म केदारनाथ की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। अभिषेक कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म में सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल में हैं। यह सारा की पहली फिल्म है। स्क्रीनिंग में बॉलीवुड की यूथ ब्रिगेड के अलावा नामी सितारों ने शिरकत की थी। दोस्तों केदारनाथ के सेलेब्स द्वारा दिए गए फर्स्ट रिव्यू भी सामने आ गए हैं। उन्होंने सारा की फिल्म को पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। अर्जुन रामपाल ने डायरेक्टर अभिषेक कपूर की शानदार कोशिश की तारीफ की है। वहीं क्लाइमैक्स सीक्वेंस में सारा के अभिनय से वे खासे प्रभावित हुए। सुजैन खान ने सारा को गॉर्जियस न्यू टैलेंट बताया। वहीं शिल्पा शेट्टी के पति राजकुंदर ने मेकर्स और एक्टर्स की जमकर तारीफ की है। दोस्तों अर्जुन रामपाल ने ट्वीट करके लिखा है कि केदारनाथ देखी है, बहुत खूबसूरत लगी, सभी ने बेहतरीन अदाकारी की है, सारा अली खान क्लाइमैक्स में अमेजिंग है, सुशांत सिंह राजपूत हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, रोनी स्क्रू वाला को देखकर बहुत ही अच्छा लगा, जाइए और फिल्म देखिए। वहीं सुजैन खान ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि एक शानदार कहानी, गॉर्जियस न्यू सुपर टैलेंट सारा अली खान आ चुकी है, सुशांत सिंह भी बहुत शानदार है, दोनों बेहतरीन काम किया, केदारनाथ ने मेरे दिल को छू लिया। वहीं दोस्तों राजकुंद्रा ने लिखा है कि वाओ, कह सकता हूँ केदारनाथ को फिल्माना आसान नहीं था, अभिषेक कपूर तुमने कमाल कर दिखाया, विजुअल इफेक्ट और कहानी बहुत ही बढ़िया है, सुशांत सिंह राजपूत और सारा बेहद ही रियल है, देखने लायक फिल्म है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केदारनाथ का फर्स्ट डे कलेक्शन लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए हो सकता है। हालांकि ये नंबर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसे अच्छा स्टार्ट कहा जा सकता है। पॉजिटिव रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ से मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को रफ्तार मिल सकती है। मूवी का बजट लगभग 35 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।